This is Bernoulli theorem. देखिए जी, बर्नौली थ्योरम ने क्या बोला था, बड़ा सिंपल सा एक स्टेटमेंट था बर्नौली थ्योरम का। ये पाइप आप कैसे भी बना सकते हैं बेटे, ये पाइप जैसे आप इरेगुलर नॉन यूनिफॉर्म कैसे भी बना सकते हैं। देखिए बर्नौली थ्योरम में ये बात बताई बेटे, ये स्टेटमेंट दिया कि फॉर द आइडियल फ्लो ऑफ लिक्विड, बर्नौली थ्योरम एप्लीकेबल ही किसके लिए है, आइडियल फ्लो के लिए। आइडियल फ्लूड जो हम फ्लो कर रहे हैं उसी के लिए बर्नौली थ्योरम है। क्या कहा बर्नौली थ्योरम ने, बड़े सिंपल से शब्दों बर्नौली थ्योरम ने यह कहा कि देखिए भाई, ये फॉर द आइडियल फ्लो ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड हमारा आइडियल जो फ्लो हो रहा है, उस लिक्विड की एनर्जी, टोटल एनर्जी आप कहीं भी निकाल लो, यहाँ 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 कहीं भी निकाल लो, और किसी भी एक फ्लूड की टोटल एनर्जी बेसिकली होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। द टोटल एनर्जी, दिस इज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम थ्रू आउट एवरी पॉइंट इन द लिक्विड। यहां 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 कहीं भी इसकी टोटल एनर्जी निकाल लो, वो टोटल एनर्जी कैसी रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। ये बर्नौली थ्योरम का कहना था। एक बात एनर्जी कंसेप्ट समझ में, दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन सेम रहेगी, पर यूनिट, या मैं तीसरे शब्दों में बोल सकता हूं पर यूनिट मास रिमेन सेम रहेगी, या पर यूनिट ग्रेविटेशनल वेट बोलो। तो इनमें से कोई भी एक एनर्जी आप उठा लो, सारी तो एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम उठाओ सबका, या पर यूनिट वेट उठाओ, या पर यूनिट मास उठाओ, या सिंपल एनर्जी उठाओ, इन सबका टोटल हर पॉइंट पर कैसे रहेगा, रिमेन सेम। ये बर्नौली थ्योरम का कहना था और मैं इसे अभी प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है बेटे। तो देखिए जरा, इसमें छोटी सी बात, यहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है और ये लिक्विड कैसा होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन, यस वो आइडियल फ्लूड है। एक छोटी सी बात, अगर मैं यहां पर एरिया की बात करूं तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, दिस इज ए वन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए टू। इसकी यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, एच वन, और ये हाइट कितनी है यहां से यहां तक की, एच टू। ये बात समझ में। अब एक बात बताओ, यहां से जब लिक्विड फ्लो करके जाएगा, ये फ्लूड फ्लो करेगा, तो यहां पर जब फ्लूड फ्लो करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी वन, यहां से बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी टू। ये बात तो समझ में आती है, आइए जी। तो इसका मतलब छोटी सी बात बोलूं मैं इसमें कि यहां पर A1 जो होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा किससे, A2 से, A1 is greater than A2, पक्का। H1 और H2 में से कौन बड़ा है बेटे, तो H2 जो है वो बड़ा है किससे, H1 से। नंबर तीसरी बात, वेलोसिटी ज्यादा कहां पे, V1 पे या V2 पे, V2 पे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ये तो पक्का है कि वेलोसिटी V2 is greater than V1। ये बात सबको क्लियर है भाई। अब इसमें देखिए जरा, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम ये कहती है, फॉर आइडियल फ्लो ऑफ लिक्विड, आइडियल फ्लो ऑफ लिक्विड द टोटल एनर्जी दिस इज क्या, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, बस समझ गए बेटे, पर यूनिट वॉल्यूम बोलो, मर्जी है तुम्हारी, पर यूनिट या टोटल एनर्जी बोलो, या पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हो, या पर यूनिट मास बोल सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, पर यूनिट मास विल रिमेन। चले एक छोटी सी बात बताइए मुझे, यहां पर देखो जरा ध्यान से, यहां पर हमने प्रेशर एनर्जी खर्च करी बेटे, सपोज टू बी 100, कितना करा, तो 100 वो एनर्जी है जो मैं लिक्विड को फ्लो करने के लिए दे रहा हूं, जिसके पास वेलोसिटी कितनी है, v1। अरे समझ में, तो मैंने यहां प्रेशर करा 100, तो 100 क्या है, इनलेट एनर्जी है जो मैं इसको दे रहा हूं इसको चलाने के लिए। अब ये यहां से लिक्विड बाहर निकलता है, तो वो जो लिक्विड यहां से बाहर निकल रहा है उसके पास जो एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, वो कैसी है, तो आंसर है वो है 20। दोनों में से प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां प्रेशर कम, लिक्विड फ्लो कैसे करेगा,
अगर लिक्विड यहाँ से आप फ्लो करोगे तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर कम, तभी तो लिक्विड फ्लो करेगा ऐसा। तो आपको पता है अभी हमने एनर्जी पढ़ा, प्रेशर एनर्जी वो कितना होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बराबर ही डिस्प्लेस होगा दोनों तरफ बराबर, इसका मतलब जहां का प्रेशर ज्यादा होगा वहां की एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर प्रेशर कैसा है, ज्यादा है। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर ज्यादा कहां पर होगा, पी वन इज ग्रेटर देन पी टू, तभी तो लिक्विड फ्लो करेगा ऐसा। अच्छा वॉल्यूम तो दोनों तरफ ही बराबर बराबर डिस्प्लेस होना है, तो वॉल्यूम तो सेम है, इसका मतलब जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे वर्क ज्यादा होगा, मतलब प्रेशर एनर्जी कहां पे है, यहां ज्यादा होगी यहां पे कम होगी। अब एक छोटी सी बात सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं आप लोगों को, तरीके से सुनिए। यहां से अगर मैंने प्रेशर एनर्जी खर्च करी इसको लिक्विड को चलाने के लिए, चलाना शुरू किया यहां से, और मैंने चलाने के लिए 100 यूनिट का प्रेशर एनर्जी खर्च करा, और वहां से जो लिक्विड निकल रहा है ये इनलेट है, भेजने के लिए जो मैं एनर्जी दे रहा हूं वो 100 खर्च करा, और यहां से जो निकल रही है वो एनर्जी वो 40 यूनिट से निकल रही है, कितने से, चलाने के लिए कितना दिया 100, निकलने में कितनी खर्च हो गई, तो बची हुई एनर्जी कहां है, जो लिक्विड को एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कर रही है, दिस इज द पॉइंट ए टू बी, तो वो वाली एनर्जी क्या, तो हम किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, इस वाली एनर्जी के बारे में, इसके बारे में जो अंदर लिक्विड के है, जो फ्लूड की एनर्जी है उसी के बारे में तो स्टडी कर रहे हैं। तो ये वाली जो प्रेशर एनर्जी होगी ये कितनी होगी आ जाएगा, तो ये प्रेशर एनर्जी कितनी होगी यहां पर, तो देखिए नाउ द प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी टू प्रेस द लिक्विड फ्रॉम ए टू बी, नहीं बेटे समझ रहे, ए टू बी बाय वी वॉल्यूम, वी वॉल्यूम, तो बता भाई कितना वर्क करेगा, तो नेट कितना वर्क करा, तो वर्क होता है बेटे ज्यादा वाले प्रेशर में से कम वाले को माइनस कर दो, प्रेशर एनर्जी कहां पे ज्यादा थी, यहां पे, इसकी पे ज्यादा वाली एनर्जी में से कम वाले को माइनस करो, तो कितना आ गया पी वन वी माइनस पी टू वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात समझ में आई आपको, ये एनर्जी कहां खर्च हो रही है, आंसर है दो जगह यूज हो रही है एनर्जी, पहला क्या कर रही है पार्टिकल की को क्या प्रोवाइड कर रही है वेलोसिटी, और दूसरा क्या प्रोवाइड कर रही है पोजीशन। तो इसकी इसके द्वारा किया गया प्रेशर एनर्जी के द्वारा किया गया वर्क डन लिक्विड पर, लिक्विड में दो तरह की एनर्जी बनके यूज हो रहा है, पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हर बार पोटेंशियल हर बार पोजीशन भी बदल रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी हर बार वेलोसिटी बदल रही है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में यूज हो रही है, तो वो एनर्जी आएगी कहां से, कंजर्वेशन का नियम कहता है एनर्जी कहीं से आती नहीं है, जो दोगे वही उसमें यूटिलाइज होगा। तो हमने जितना प्रेशर एनर्जी दिया वो दो जगह यूज हो रहा है, पहला तो पोजीशन बदल रहा है और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है, ठीक है बेटे। तो आप मुझे देख के बता यहां और यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कहां होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना कम होना कौन डिसाइड करता है, सुन लो पहले एक सेकंड, हाफ एम वी स्क्वायर, अरे लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी नहीं होती, जब तुझे और मास कितना होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जब लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं सकता, डेंसिटी बदल नहीं सकती, तो मास भी कैसे रहेगा, सेम ही तो रहेगा, तो लिक्विड कहीं से कहीं भी फ्लो करे मास की वैल्यू नहीं बदलने वाली है। तो तुझे बता काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी वो किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी, तो जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कहां है वेलोसिटी ज्यादा, यहां, तो यहां पर एनर्जी ज्यादा है यहां पर एनर्जी कम है। अब तुझे पता है यहां पर जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो है 100 जूल की, कितनी, और यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पर जो लिक्विड एंटर कर रहा था इनलेट, इनलेट वाली एनर्जी वो है 40, और ये कितने से निकल रहा है 100 से, तो नेट एनर्जी कितनी है, नेट काइनेटिक एनर्जी कितनी है 60, कहां है वो 60, आंसर है यहां से यहां लिक्विड भी तो फ्लो कर रहा है, तो जो लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है उसके पास कितनी एनर्जी है 60, और वो 60 क्या है उसकी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नहीं है बेटे समझे, अरे यहां से निकल रहा है 100 से और यहां से आपने कितना दिया 40, 40 से तो आए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है 60, तो वो कहां से कहां है, यहां से यहां जो लिक्विड अंदर फ्लो कर रहा है उसकी एनर्जी है ना वो 60। तो आइए जी नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड आ रहा है पूरा। उसके बाद देखिए देन चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर एनर्जी, ओ सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आप पोटेंशियल एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है भाई, पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, तो जहां पर हाइट ज्यादा होगी वहीं पे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी,
तो यहाँ पर हाइट कितनी है h1, यहाँ पर हाइट कितनी है h2, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी कम होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी ज्यादा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है h2 माइनस h1, ये एनर्जी दी किसने, अरे प्रेशर एनर्जी नहीं तो दिया होगा, नहीं है बात समझ, तो यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पर जो उनकी एनर्जी चेंज होती जा रही है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है दिस इज एम जी एच टू, एनर्जी ज्यादा इसमें से माइनस करो एम जी एच वन, इक्वेशन नंबर थर्ड। देन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है, यस द टोटल एनर्जी, द टोटल या बोल सकते हो द प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी इज यूज्ड इन टू वेज, दो जगह तो यूज हुआ, पहला किसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और दूसरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बस रख दो, तो जो हमारी जो टोटल प्रेशर एनर्जी थी दिस इज डब्ल्यू, वो किसके इक्वल है गुड़िया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये प्रेशर एनर्जी था कितना, तो अभी तो निकाला पी वन वी माइनस पी टू वी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितना एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन प्लस हाफ वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ, ये बात समझ आई, वन वाले एक तरफ ले जाओ टू वाले एक तरफ, तो पी वन वी प्लस एम जी एच वन, एच वन इधर आ जाएगा ना, प्लस हाफ एम वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ पी टू वी प्लस कितना आ गया एम जी एच टू प्लस हाफ एम वी टू का स्क्वायर, नहीं है समझे, तो अगर इसे आप गौर करके देखो तो ये वाली एनर्जी उस वाली टोटल एनर्जी के तो बराबर आ गई, अरे हमें इसमें कोई भी दो पॉइंट उठाऊंगा सब जगह एनर्जी कैसी आएगी, बराबर नहीं आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसको आप ले सकते हो पी वी प्रेशर इंटू वॉल्यूम प्लस ये कितना वन बाई टू एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ये टोटल एनर्जी कैसी रहेगी, किन्हीं भी दो पॉइंट पर रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगी, ये वाली एनर्जी कौन सी है प्रेशर एनर्जी, ये कौन सी है और ये कौन सी है, तो यही तो कहती है एनर्जी, स्टेटमेंट को पढ़ो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम द टोटल एनर्जी दिस इज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलो या टोटल एनर्जी बोलो रिमेन कैसी रहेगी, सेम रहेगी हर पॉइंट। अब इसी को और दूसरे शब्दों में इलाबोरेट कर सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे बढ़ाने के लिए, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम बोथ साइड, अगर मैं वॉल्यूम को दोनों तरफ से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा भाई, तो आंसर है पी आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा हाफ एम अपॉन में वी क्या होता है रो वी स्क्वायर प्लस यस रो जी एच, अभी भी कैसा है कॉन्स्टेंट है, ये वाली एनर्जी बताओ क्या कहती है, तो आपने अभी पढ़ा था टोटल एनर्जी नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये वाली एनर्जी क्या कहलाती है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या कहलाती है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी पर, रिमेन कैसा है कांस्टेंट ही है, नहीं आया समझ में, अरे अभी तो पढ़ा, सेम इसी इक्वेशन को यहां पर डिवाइड कर दो, इधर देखो जरा और डिवाइड बाय एम, इसी इक्वेशन को एम से डिवाइड करो, डिवाइड बाय एम बोथ साइड करो जी दोनों तरफ डिवाइड से, अगर इस इक्वेशन को एम से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया वॉल्यूम अपॉन में वास नहीं आ जाएगा, तो पी अपॉन में रो कितना आ गया प्लस वन बाय टू वी स्क्वायर और ये कितना आ गया यस यहां से एम से एम चला गया ना बेटे तो कितना आ गया जी एच, कैसा अभी भी कॉन्स्टेंट, ये वाली एनर्जी कौन सी होती है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास और ये कॉन्स्टेंट है, नहीं है समझ में, और देखो जरा इसे अगर मैं इस इक्वेशन को mg से डिवाइड कर दूं mg से तो ये कितना आ गया p अपॉन में वॉल्यूम अपॉन मास दिस इज रो जी सॉरी रो आ जाएगा रो जी आ गया जी और ये कितना आ गया जी यहां से हाफ v स्क्वायर अपॉन में g प्लस h कैसा है कांस्टेंट, और हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जो भी हमारे जितने भी हेड होते हैं दिस इज द प्रेशर हेड अरे द टोटल एनर्जी दिस इज प्रेशर हेड This is velocity head and gravitation head at every point remain same constant होते हैं। नहीं बेटे समझे? तो this is all about the Bernoulli theorem। अब इसमें एक छोटी सी बात जरा ध्यान से सुनना।
इसे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर आप इसे समझोगे तो आपको इसमें एक नई चीज समझ में आएगी। वो नई चीज क्या, गौर करके देखना, यहां पर देखना पी प्लस वन बाय टू, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, क्या कहलाते हैं इसे, अरे पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है सारी एनर्जी, तो ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। इस इक्वेशन को अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये कितना आएगा यहां पे, तो पी गौर करके देखना प्लस, इसको मैं क्या ले सकता हूं रो जी एच प्लस, इसे क्या ले सकता हूं बेटे हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैसा है कॉन्स्टेंट है। इस वाली इक्वेशन को जरा बताओ, ये इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ रखी है, ये क्या है, दिस इज यस प्रेशर एनर्जी है, कौन सा एब्सोल्यूट प्रेशर है, लेकिन तू बताइए एब्सोल्यूट प्रेशर हमें कब मिलता है किसी लिक्विड में, जब लिक्विड एट रेस्ट होता है। अगर ये कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर के अंदर अगर मैं लिक्विड भर दूं और मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, किस पॉइंट पर, इधर देखो जरा, मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, प्रेशर कितना होगा, तो आपको पता है इस पे एक प्रेशर तो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू हाइट होगा, तो हाइट की वजह से जो प्रेशर होता है वो कितना होता है एच रो जी, और एक ऑलरेडी इसके ऊपर जो हमारा एटमोस्फेरिक जो प्रेशर था वो प्रेशर इस पॉइंट पर होगा ना, तो वो प्रेशर कितना होगा, इसमें जुड़ जाएगा जो भी है, तो इस पॉइंट पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो कितना होता है पी नॉट प्लस एच रो जी, तो ये तो प्रेशर है इस लिक्विड का, अपना भी तो कोई ना कोई प्रेशर होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भाई जब हम यहां से प्रेशर दे रहे हैं 100, यहां पर कितना है 20, तो 80 का कुछ कोई ना कोई प्रेशर यहां पर भी तो आया, अरे और एक को एक किसकी, इस हाइट की वजह से भी तो इसके पास एक ना एक प्रेशर है, तो वो जो टोटल प्रेशर है जो इस लिक्विड पे इसकी पोजीशन की वजह से डेवलप हुआ है, जब लिक्विड एट रेस्ट था उसकी वजह से जो एनर्जी इसके पास डेवलप हुई है, ये वाली जो एनर्जी है ना गुड़िया, इस एनर्जी को हम कहते हैं स्टैटिक एनर्जी, क्या कहते हैं, एग्जैक्टली स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक का मतलब समझते हो, जो एनर्जी एट रेस्ट की वजह से होती है, इसका मतलब जब लिक्विड फ्लो करता है, अब तुम सोचो इस बात को, जब तुम्हारे स्कूल में अगर गेट पतला है और जब तुम्हें स्कूल से गेट से छोटे गेट से निकलना होता है, तो तुम क्या सारे एक साथ कहीं रुकते भी हो या एकदम निकल जाते हो, रुकते भी है ना किसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पर रुकते हो वहां पर क्या मिलती है तुम्हें, प्रेशर एनर्जी मिलती है, अरे नहीं समझा, लेकिन हम बाहर से क्या देखते हैं, हम देखते हैं सारे स्टूडेंट बाहर निकलते जा रहे हैं, लेकिन हम ये भी तो देखें तो जब गेट से निकलते हैं तो कुछ स्टूडेंट उस पॉइंट पर रुकते भी हैं, और जब वो रुकते हैं हर पॉइंट पर तो उनके पास एक एनर्जी होती है, दिस इज कॉल्ड क्या, स्टैटिक एनर्जी। ये वाली एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मोशन, अरे मोशन में है ना, तो इस वाली एनर्जी को हम कहते हैं डायनेमिक एनर्जी, क्या कहते हैं, डायनेमिक एनर्जी, इसका पूरा नाम होता है प्रेशर स्टैटिक एनर्जी, और ये कौन सा है, डायनेमिक एनर्जी। तो बर्नौली थ्योरम ने एक नया शब्द सामने रख दिया लोगों के सामने, कि भाई अभी तक हम ये छोटे हम यही पढ़ते आ रहे थे कि यार जो टोटल एनर्जी होती है इस लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पर निकालोगे तो वो एनर्जी कैसी रहती है, रिमेन सेम रहती है, ये बात समझ में। लेकिन इसने हमें ये बताया कि जो ये टोटल एनर्जी होती है ये किसके सम के इक्वल होते हैं, बर्नौली एनर्जी, टोटल स्टैटिक एनर्जी प्लस डायनेमिक एनर्जी, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, तो ये जो बर्नौली थ्योरम से जो एनर्जी बनती है इस फ्लूइड के पास, ये दोनों तरह से बनती है, खड़े लिक्विड की वजह से भी बनती है और मोशन की वजह से भी बनती है। तो इसका मतलब बर्नौली थ्योरम से अगर मैं बोलूं तो हमारी जो स्टैटिक एनर्जी होती है, स्टैटिक एनर्जी प्लस कौन सा बेटा, डायनेमिक एनर्जी, डायनेमिक एनर्जी, और तीसरा किसके इक्वल होती है, दिस इज कांस्टेंट। अब एक बात बताओ मुझे इसमें, अगर मैं तुमसे बोलूं इफ अगर पाइप को कैसे ले लें, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पाइप, तो यहां से क्या है, पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल। अब तू सोच अगर इस पाइप को मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दूं तो हाइट कैसी रहे दोनों तरफ, सेम भाई, हाइट तो ग्राउंड से दोनों तरफ सेम रहेगी ना बेटे। अगर तू सोच अगर मेरी दोनों तरफ हाइट सेम है, यहां पर दिस वन, यहां पर देखो जरा एच और एच, ये दोनों बराबर हो गए, ये तो कट गए यहां से, तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी यहां पे, तो हमारी इक्वेशन बचेगी, कोई सी भी इक्वेशन उठा लो यहां से, ये उठा लो चाहे बेटा, हाइट वाला तो पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा ना, अरे दोनों तरफ एच बराबर हो गए तो कट गए यहां से, तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी, पी प्लस वन बाय टू रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां से एक रिजल्ट सामने आया कि देखो जी वन बाय टू रो ये तो कॉन्स्टेंट रहेंगे, अरे डेंसिटी थोड़ी बदल जाती है, इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, तो प्रेशर और वेलोसिटी इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब तुझे पता है दो क्वांटिटी का सम कांस्टेंट है, P plus V is equal to कैसा है कांस्टेंट, अगर इसकी वैल्यू 100 है तो इन दोनों का सम भी तो 100 होगा, इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 60 है तो इसकी कितनी होगी 40, इसकी 70 होगी तो इसकी 30, इसकी 80 होगी तो इसकी 20, इसका मतलब एक वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब प्रेशर का वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है।
तो बेसिकली बर्नौली थ्योरम ने यह बताया कि अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप ले लिया जाए, ये पाइप इंक्लाइंड ना हो, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल पाइप हो, तो इन दैट कंडीशन जो प्रेशर होगा हमेशा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का होगा। ये इसका सबसे बड़ा रिजल्ट था जो हम अगली क्लास में विद एग्जांपल और एप्लीकेशन के साथ बनाएंगे। क्या पता चला कि जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम, और जहां वेलोसिटी कम वहीं प्रेशर ज्यादा। और इससे हम फिजिक्स के एक नए फिनोमेना को समझेंगे कि हमारे जो एरोप्लेन होते हैं वो कैसे उड़ते हैं, एरोप्लेन हम बॉल को स्पिन कैसे करते हैं, स्विंग कैसे करते हैं। इसी तरह से जो आपने सुना होगा चलती ट्रेन जो है किसी भी पर्सन को अपनी तरफ खींच लेती है, और बहुत सारी इसमें फिजिक्स की एप्लीकेशन है। दिस इज समथिंग नोन एज का टॉसली थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, और साथ में क्या पढ़ेंगे, वेंचुरी मीटर पढ़ेंगे कि लिक्विड का रेट कैसे कैलकुलेट हो, और सब बर्नौली थ्योरम की हेल्प से ही हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।